तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने और आपके जीवन साथी की भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज हम जिस योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, ये योजना आपके और आपकी जीवन साथी को भविष्य का सहारा बना सकते हैं। इस योजना की सबसे अच्छी चीज ये है कि आप सिर्फ 60 वर्षों तक ही पैसा जमा करना है और उसके बाद जीवन भर आपको पेंशन मिलती रहेगी। दुर्भाग्य से अगर खाता धारक को मृत्यु हो जाती है तो वो पेंशन उसके जीवन साथी को जीवन भर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस योजना की नाम है अटल पेंशन योजना। इस योजना के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं मगर कुछ डाउट भी है, तो चलिए उसी डाउट को दूर करते हैं और जानते हैं इस योजना की पूरी डिटेल्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल मनी एक्सपी। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक बेल वाली आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अटल पेंशन योजना एक गारंटेड पेंशन स्कीम है जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम NPS का एडमिनिस्ट्रेशन में PFRDA मैनेज करता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये PFRDA मैनेज करता है इसीलिए पूरा रिस्क फ्री है। इस योजना की एलिजिबिलिटी का बात करें, यानी कि यहाँ कौन लोग भाग ले सकता है, तो ये योजना ऐसे ही भारतीय नागरिक के लिए है जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होती है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर खाता खुलने की बात करें, यानी कि इस योजना का खाता कहाँ खुलेगा, ये खाता आप किसी भी सरकारी बैंक में आसानी से खोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, तो खाता खोलने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। आपके पास बैंक का सेविंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा EKYC डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, रेशन कार्ड, ये सब आवश्यक है। कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपके उम्र 60 साल ना होने तक पूरे पैसा जमा करना है, यानी कि आप अकाउंट 40 साल में खोलते हैं तो आपको 20 साल ही पैसा जमा करना है। पेंशन की ऑप्शन की बात करें तो, यानी कि पेंशन किन किन रूप में मिल सकता है, तो ये 5 तरीकों की विकल्प है, जैसे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये आप किसी भी विकल्पों को चुन सकते हैं। अब बात होती है कि पेंशन योजना में पैसे कैसे जमा करें। आपको 60 साल तक लगातार राशि जमा करना है, इसके लिए आपको हर महीने बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आपका बैंक अकाउंट में प्रीमियम की राशि होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपकी प्रीमियम डेट आएगी तो वो ऑटोमेटिक ही डेबिट होके अटल पेंशन योजना में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑटो डेबिट का सुविधा उपलब्ध है। अटल पेंशन की कुछ नियमों के बारे में बता देती हूँ। अगर आपने प्रीमियम 6 महीने तक जमा नहीं करते हैं तो खाता धारक की अकाउंट सील कर दिया जाएगा। अगर आपने 12 महीने तक राशि जमा नहीं किए तो खाता धारक की अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाएगा, और अगर आपने पूरे 24 महीने यानी कि 2 साल राशि जमा नहीं किए तो आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें और इस स्कीम का पूरा लाभ उठाएं। इस योजना में आप कितने राशि जमा कराएंगे तो इसके लिए आपको एक चार्ट दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये चार्ट है, ये अटल पेंशन योजना की कंट्रीब्यूशन चार्ट है। तो अगर आप 1,000 रुपये महीने में पेंशन चाहते हैं तो उसके लिए आप एंट्री करते हैं 18 साल में तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 42 साल, और उसका मंथली पड़ेगा प्रीमियम 42 रुपये,
और क्वार्टरली 125 रुपये और हाफ ईयरली 248 रुपये। और दोस्तों हम बता देते हैं 39 यानी कि 39 एज में आप एंट्री करेंगे तो आपको 21 साल देना पड़ेगा प्रीमियम। आपका मंथली पड़ेगा 264 रुपये, क्वार्टरली 787 रुपये और हाफ ईयरली 1658 रुपये। ऐसे ही आप 5000 रुपये पर महीने का पेंशन चाहते हैं तो आपका 18 साल में आपका एंट्री एज है तो आपका मंथली पड़ेगा 210 रुपये, क्वार्टरली 626 रुपये और हाफ ईयरली 1239 रुपये। वैसे ही 39 साल में आप एंट्री करेंगे तो आपका मंथली पड़ेगा 1318 रुपये, क्वार्टरली 3928 रुपये और हाफ ईयरली 7778 रुपये। अटल पेंशन योजना का खाता धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? दोस्तों यहाँ दो तरीकों की कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, अगर 60 वर्षों से पहले मृत्यु हो जाती है तो उनके अकाउंट में जितने राशि जमा पड़े हैं वो सब राशि ब्याज के साथ नॉमिनी को दिया जाएगा। कंडीशन नंबर 2, अगर 60 साल की बाद मृत्यु होती है तो उनके अकाउंट होल्डर की जो भी जीवन साथी होगा उनको पेंशन दिया जाएगा। अगर जीवन साथी को भी मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को पूरा जमा राशि मिल जाएगा। उदाहरण के तौर से दिखा जाए तो अगर खाताधारक 5000 रुपये प्रति महीना की प्लान करते हैं तो उसके मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी पूरा 8.5 लाख रुपए पाएंगे। इस योजना की लाभ कौन नहीं उठा सकते हैं? तो जिन लोगों ने इनकम टैक्स देती है, जिनके पास सरकारी नौकरी है या किसी भी ईपीएफ ईपीएस जैसे योजना की लाभ उठा रहे हैं वो ये पेंशन प्लान में भाग नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस योजना से जुड़ के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अगर आपकी मन में कुछ भी सवाल आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड और फैमिली के पास। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।